मंदिर पहुंच गए हैं तो थोड़ा मंदिर की हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। आशापुरी का मंदिर ऐतिहासिक नागवन के सबसे ऊंचे धौलाधार श्रृंखला के शिखर पर विराजमान है। आशापुरी को वैष्णो देवी का रूप माना जाता है और कहा जाता है कि ये मंदिर 16वीं शताब्दी में बना था। यहाँ राजा मान सिंह, जो कि कटोच डायनेस्टी के वंशज थे, उन्होंने ये बनाया था। ये जो मैं पॉइंट कर रही हूँ ना, यहाँ से पूरा बिलासपुर, हमीरपुर और ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे कहीं हमारे घर भी हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है ब्यास नदी। बिल्कुल एंड में, एंड वाली जो लाइन है वो है ब्यास नदी की, और जो इसके दूसरी तरफ है वहां से छोटी छोटी कई खड्डे जा रही हैं। खड्ड हमारे यहाँ रिवर की ट्रिब्यूटरीज को कहते हैं। तो अगर माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अकॉर्डिंग चलें तो द्वापर युग में पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर मल्ली नामक जगह में गुफाओं में कुछ समय तक रहे थे, तभी इन्होंने इस आशापुरी माता मंदिर का निर्माण किया था। और अब आ गए हैं हम माता के मंदिर के अंदर। ये है माता पिंडी रूप में, जिनका दर्शन आप मेरे साथ कर सकते हैं। और एक और बात बताऊं, ये माता अपने नाम से ही प्रख्यात है सबकी आशाएं पूरी करने के लिए। जी हाँ, यहाँ पे सबकी मन्नतें पूरी होती हैं, इसीलिए इसे आशापुरी माता कहते हैं। क्या आप जानते हैं, यहाँ आज भी एक शराब के कारण आग लगती है। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। एक लोक कथा के अनुसार, जब सभी देवियां हिमाचल में बसने के लिए रमणीक स्थल ढूंढ रही थी, तो ये कार्य सभी बहनों ने आशापुरी माता को सौंप दिया। अब आशापुरी माता स्थल ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच गई, और यहाँ पहुंचने के बाद उन्हें ये जगह इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने अपने लिए ये जगह निश्चय कर ली, और बाकी बहनों के लिए कोई जगह ही नहीं ढूंढी। तो परिणाम स्वरूप चामुंडा देवी ने क्रोधित होकर आशापुरी माता को श्राप दे दिया। श्राप में उन्होंने ये कहा कि तू खुद तो यहाँ बस गई, लेकिन हमारे लिए कोई स्थान नहीं ढूंढा, तो जा, तेरे यहाँ हर गर्मियों में बिजली गिरने से आग लगेगी। और फिर जब आशापुरी माता ने माफी मांगी, तो चामुंडा देवी ने कहा कि ठीक है, इसका निवारण इस प्रकार होगा कि आग लगने के बाद बारिश हुआ करेगी और उससे ये आग बुझा करेगी। तो आज भी यहाँ के जंगलों में आग लगती है। अब इस बात में कितना सत्य है और कितना सिर्फ बातें हैं, ये तो मैं नहीं जानती, परंतु हमने हर गर्मियों में यहाँ आग लगती हुई जरूर देखी है, और फिर वो आग बारिश से बुझती भी है। तो शायद ये लोक कथाएं काफी हद तक सच भी होती हैं। आप क्या मानते हैं? क्या आप ऐसी लोक कथाओं पर विश्वास करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वापसी में हमें ये दो छोटी छोटी सी लड़कियां मिली, जो कि घर घर खेल रही थी और शायद कुछ साग बना रही थी। तो बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब